वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ सूप रेसिपीज़। अब जैसे हल्की हल्की ठंड आने लगी है ना, तो सूप सीज़न आ गया है। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं दो सूप की रेसिपीज़ जो मैं अक्सर बनाती हूँ। जो मेरा पहला सूप है ना, वो बीट रूट, कैरेट, कॉलीफ्लावर और थोड़ा सा उसमें टोमेटोज़ मैंने ऐड किए हैं। और इन सबको ना अब मैं थिनली स्लाइस कर लूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना किचन एड का फूड प्रोसेसर। अच्छा, आप में से एक सब्सक्राइबर के कमेंट आए हुए थे कि आपने भी यही फूड प्रोसेसर लिया और आप काफ़ी कन्फ्यूज हो कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आई कम्प्लीटली हियर यू। आप मानोगे, मेरे को इतना टाइम लगा, एटलीस्ट 5-6 टाइम्स मैंने इसे यूज़ किया, तब मुझे समझ में आया इसे कैसे यूज़ करना है। ये ना बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ही यूज़फुल है, बट इसमें ना प्रॉब्लम एक ये है कि इसे सीखने का ना एक लर्निंग कर्व है, तो धीरे धीरे ही ये सीखने में आता है। इसके पार्ट्स भी थोड़े से ट्रिकी हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ मैं कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इस पर ज़रूर बना दूंगी। तो अभी मैंने इसकी ऊपर वाली ब्लेड फिक्स कर दी है, उसमें ना लिखा हुआ है कि कौन सी स्लाइड चॉपिंग है और कौन सी स्लाइसिंग है, तो मैंने स्लाइसिंग वाली पर डाला है। नीचे ब्लेड नहीं लगानी है जब स्लाइस कर रहे होगे, अदरवाइज़ वो स्लाइस पर ठीक नहीं होता। सिर्फ ऊपर वाली एक ही ब्लेड रहेगी स्लाइसिंग में, और सबको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। अब मैंने अपना सूप वाला पैन लिया है, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें जिंजर और गार्लिक को बिल्कुल हल्का सा सौते कर लिया है। उसके बाद जो भी मेरी स्लाइस्ड वेजीज है ना, उनको मैंने ऐड कर दिया है, और 5 मिनट्स के लिए बस हल्का सा उन्हें भून लो ऑयल में। उससे ना अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। एक बार हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे सारी हमारी वेजिटेबल्स को, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी खूब सारा डालना है, ऑलमोस्ट ये मेरा सारा पैन भर जाएगा ना, उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और साथ में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूंगी। तो ये जितना ये जो मेरा सेट है ना, जो मैं सूप का यूज़ कर रही हूँ, ये सिरामिक का है, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें ना ये हल्का सा होल है यहाँ पे, इससे ना पानी बाहर नहीं आता है और स्टीम में अच्छा सारा ये सूप बन जाता है। तो जितने हमारा सूप बन रहा है ना, उसके साथ मैं ब्रेड क्रम्स भी बना रही हूँ। तो ये वाला जो बीट रूट वाला सूप है ना, इसमें मैंने एक पूरी बीट रूट ली थी, अराउंड 3 के करीब मैंने गाजर ली थी, और 1-2 मैंने टमाटर लिए थे, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर लिया था। और ये बहुत ही ना लिक्विड ही बनेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा उसमें एक टेक्स्चर ऐड करने के लिए यहाँ ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। तो बस नॉर्मल ब्रेड ली है, उसमें सीजनिंग ऐड की है मैंने, थोड़ी ऑरिगैनो, थोड़ा सा रेड पेपर, गार्लिक सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर, और थोड़ा ऑलिव ऑयल डालना है, और फिर इनको ना मिक्स कर लो। ऑयल से क्या होगा कि जो सारी ब्रेड्स है ना, वो अच्छे से कोटिंग ले लेंगी हमारी सीजनिंग की, और बस मैं इसको बेक करने पे रख दूंगी। और यहाँ पे देखो, सूप भी अच्छे से बॉयल हो गया। इसको ना आप मिनिमम मीडियम आंच पे 20 मिनट्स और उसके बाद स्लो करके और 10 मिनट, तो टोटल 30 मिनट्स के लिए इसको ज़रूर पकाना, जब जितने में ना सारा वेजीज़ का जो न्यूट्रिशन है वो आपके पानी में आ जाए। और यहाँ पे मेरी बेक हो गई हैं ये सारी ब्रेड्स, और अराउंड मैंने इनको 10 मिनट्स के करीब 400 डिग्रीज पे फ़ारेनहाइट पे बेक किया था, और ये एकदम टेस्टी क्रिस्पी हो गई हैं। और अभी जो हमारा जो सूप बनेगा ना, उसके साथ ये बहुत ही मस्त लगती हैं। तो अब मेरा जो अच्छे से पानी सारा बॉयल हो गया था अराउंड 30 मिनट्स, मैंने इसे छान लिया है, और मैं ना अब इसी को ही एज अ सूप यूज़ करूँगी। इसमें एक ऑप्शन होता है कि जो वेजिटेबल्स थी उसको भी आप पीस के इसमें ऐड कर लो, उससे थोड़ा क्रीमी सा सूप बनता है, पर मुझे ना ये वाला जो सूप होता है ना, ये बिल्कुल वाटर वाली कंसिस्टेंसी का अच्छा लगता है। इसको कप में डाल के भी आप आराम से पी सकते हो, इसमें खूब सारी ब्लैक पेपर डाल देना, और इसमें ना एक पूरा लेमन आप इसमें ऐड कर देना, क्योंकि खटास जब इसमें आती है तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर ऐड कर लेना, उससे एकदम फ्रेशनेस आ जाती है सूप में। और इसमें ना आपको बीट रूट का बिल्कुल भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा, और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया था। वो हालांकि सूप वगैरह ज़्यादा लेती नहीं है, पर ये वाला उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और मम्मी कह रही थी इसमें कुछ कुछ ना ऐसा फ्लेवर आता है जैसा कांजी होती है ना, जो कैरेट्स की बनती है फर्मेंट करके, वैसा इसमें कुछ कुछ टेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है। बीट रूट का भी ज़्यादा पता नहीं चलता। और बीट रूट में ना अगर आप लेमन ऐड कर लो ना, तो बीट रूट का जो आयरन वगैरह होता है ना, वो बॉडी ज़्यादा इजीली एसिमिलेट कर लेती है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने दूसरे सूप पे, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बटरनट स्कॉश। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हो, तो अब तो सीज़न ये वाला सीज़न है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्क्वैश, पम्पकिंस वगैरह आते हैं, तो ज़रूर ये वाली रेसिपी आप ट्राई करना। तो मैंने पम्पकिन लिया है, थोड़ा ऑलिव ऑयल से कोट कर दिया है,
और अब मैं इसको ना बेक करूँगी। अच्छा, इसको अराउंड आपको 40 मिनट्स के करीब बेक करना है, पर मैं ना इसको दो इंटरवल्स में बेक करूँगी। तो पहले मैंने अराउंड 20 मिनट्स के करीब इसे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बेक किया है। फिर ये 20 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इसके साथ मैंने ऐड किया है थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा गार्लिक, और फिर अगेन अराउंड 20 मिनट्स के लिए इसको दोबारा बेक किया है। मैंने इसे दो भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि जो पम्पकिन है ना, वो बहुत टाइम लेता है बेक करने में। अगर आप गाजर और गार्लिक भी शुरू में ही डाल दोगे ना, तो वो हो सकता है थोड़ा से जल जाए। आप हालांकि शुरू में भी डाल सकते हो, पर मुझे अच्छा लगता है कि बहुत बर्न्ड फ्लेवर ना आए गार्लिक और गाजर में, इसलिए मैं इसके थोड़ा सा बेक करके और फिर डालती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और इसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी है। तो बेक होने के बाद पम्पकिन रेडी है। तो अब बस आप इसका पल्प निकाल लो, और अब हम मिक्सी में इस पल्प को, साथ में जो हमारा गार्लिक था उसको और साथ में जो गाजर हमने डाली थी उसको, हम तीनों की को पीस लेंगे। और इसमें ना, जैसे अगर आप इसे जब पीसने लगोगे तो आपको लगेगा इसमें पानी या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग इसमें मिल्क भी ऐड कर देते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर इस कोकोनट मिल्क। तो मैं अब इसमें क्रीमीनेस लाने के लिए और थोड़ा सा इसमें वाटर कंटेंट लाने के लिए कोकोनट मिल्क डाल दूंगी। और कोकोनट मिल्क डाल के अब हम इसके ना प्यूरी सी बना, बस एक बार आपकी प्यूरी रेडी हो जाएगी। तो हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल फिर से लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने अनियंस डाल दिए हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो अनियंस नहीं भी डाल सकते हो। उसमें अपना ये प्योरे डाल दिया है और थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो गया था। और बस हम इसको एक पूरा कंप्लीट बॉयल आने देंगे। वैसे पम्पकिन वगैरह सब कुछ हमारे अच्छे से बेक हो ही गए थे, बट एक बार वाटर और पम्पकिन सारा मिक्सचर एक साथ आ जाए उसके लिए सॉल्ट और थोड़ा पानी डाल के आप इसको एक बॉयल कर दो, और ये बहुत क्रीमी बनता है। जो तो जो पहले मैंने दिखाया था ना बीट रूट वाला, वो था कि वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी टाइप्स था, लिक्विड था, और ये काफ़ी क्रीमी है। तो अपने मूड के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ ना गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, तो गार्लिक ब्रेड मैंने यहाँ पे बना ली थी। इसकी रेसिपी चाहिए ना तो बताना, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसमें थोड़ा कोरिएंडर डाल लेना और अपने पम्पकिन वाले सूप में भी बहुत सारा लेमन ज़रूर डालना। एंड फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपीज़ मुझे ज़रूर बताना। और अभी ना सर्दियाँ आएंगी तो डेफिनेटली अपनी डाइट में आप सूप इंक्लूड कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हेल्थ के लिए भी। के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी सी अपनी करवा चौथ की प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए, और आप बताना कि आपको कैसी लग रही है। तो ये साड़ी है, ये ना मैंने आपको पहले भी एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर की थी, बट मैंने अभी तक इसको वियर नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं वियर करती हूँ। इसका जो कलर है ऑरेंज, ये तो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। पर इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। जो इसके साथ ओरिजिनल ब्लाउज आया था ना, हालांकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है, रेड का और ऑरेंज का, और ये इसके साथ ही इसी थीम के साथ मैं स्टिक कर रही हूँ। पर थोड़ा सा मैं इसके ब्लाउज को चेंज करके ना, मैंने एक अमेजोन से ब्लाउज मंगवाया है जो कि थोड़ा सा स्लीवलेस है, तो ये वाला है। कि जो साड़ी है ना उसका कलर थोड़ा सा जैसे एकदम ब्राइट टिच ऑरेंज कलर है, और इसका बॉर्डर पे भी काफ़ी काम है, तो हैवी साड़ी है। तो थोड़ा सा इसका लुक हल्का सा सिंपलर करने के लिए ना, थोड़ा सा मैंने ये एक सिंपल सा ब्लाउज मंगाया है अमेजोन से। और कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन बताना, और आप लोग क्या पहनने वाले हो, आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छा, साड़ी वगैरह के साथ ना मैंने एक ज्वेलरी सेट भी मंगवाया है। ये ज्वेलरी जो मैंने परचेज की है ये असली नहीं है, इमिटेशन ज्वेलरी है, पर ना काफ़ी मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी लगी। एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ना, सब कुछ मैंने अपने पैसे से खरीदा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये पीस, कुंदन का इमिटेशन है ये, तो देखो ऐसा दिखता है, पर दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ही स्लीक है। अभी तक तो काम वगैरह मुझे इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी ना धीरे धीरे, एक्चुअली क्या होता है, लास्ट ईयर भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने ना एक दो बार उसको यूज़ किया, जैसे ये वाला जो पार्ट था ये मैंने खोला तो वो ना एक साइड से टूट ही गया, तो वो सारा वेस्ट ही हो गया मेरा। तो थोड़ा सा ये कैसा, मतलब इसका क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा मैं एक दो बार पहन के आपको रिव्यूज़ दूंगी, बट दिखने में बहुत अच्छा है। और देखो उन्होंने पीछे भी काम करके दिया हुआ है इसके, है ना, कितना डिटेल्ड है, मतलब एकदम फाइनली डिटेल।
ऐसे इनके भी पीछे इन लोगों ने बड़ा ही डिटेल में काम किया हुआ है। ये ना एक इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड है डेक्कन ज्वेलरी करके, वहाँ से मैंने मंगवाया था, तो वो आई थिंक यूएसए शिप कर दिया, तो विद इन 2-3 डेज मुझे मिल गया था। क्योंकि अभी भी आप अमेजोन वगैरह पर सर्च करोगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अच्छा लगा मुझे ये। और ये इसका स्लीक सा छोटा सा मांग टीका है, इसके भी पीछे इन लोगों ने पूरा काम करके दिया हुआ है। अच्छा ये पीछे काम क्यों होता है, मतलब ये आप उल्टा भी पहन सकते हो क्या, लाइक आपको ये आइडिया हो तो मुझे बताना, पर जो डिटेल्ड वर्क है ना वो दोनों साइड पे है, तो आई एम लाइक लिटिल कंफ्यूज। तो दिखने में तो अभी ये पूरा सेट ना काफ़ी सुंदर और स्लीक लग रहा है, और आई थिंक ये साड़ी के साथ, इनफैक्ट ये तो लाइक कलर न्यूट्रल है तो किसी के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो यही दो चीज़ें थी जो मैंने खरीदी थी। तो अच्छा एक मिनट, अभी एक्चुअली नील कुछ बातें कर रहा था। तो यही दो चीज़ें थी जो मैंने खरीदी थी, और आई होप आपको अच्छी लगी हो। और चलो उसके बाद वीडियो को फिनिश करती हूँ, और सूप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और वैसे भी जब फेस्टिव सीज़न आ रहा है ना, तो काफ़ी बार हम लोग थोड़ा सा बाहर बाहर से खाते रहते हैं, मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, तो थोड़ी सूप एंड सैलड एंड वेजीज इंक्लूड करना इस टाइम पे डाइट में बहुत ही अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आपको अच्छी स्किन और हेयर चाहिए ना, तो फ्रेश लाइक फ्रूट्स का जूस या फिर वेजिटेबल्स का जूस या फिर सैलड, बहुत सारे वेजिटेबल्स, ये सब डाइट में इंक्लूड करना काफ़ी अच्छा रहता है। और मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बाय एंड एंजॉय द कमिंग सीजन। कर लो।